class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will discuss lesson number 17. Let's start. हमने मोबाइल फ़ोन तक पढ़ लिया था, अब हमें कंप्यूटर से स्टार्ट करना है. These days, computer is also gaining popularity as means of communication. इन दिनों जो कंप्यूटर है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है. किसके रूप में? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में, क्योंकि आपको पता है अब कंप्यूटर के थ्रू ईमेल वगैरह भेज दिए जाते हैं और चैट्स भी हो जाती है कंप्यूटर पे. तो जो कंप्यूटर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है. मैसेज आर सेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड द इंटरनेट ऑन द कंप्यूटर टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. कंप्यूटर के थ्रू क्या किया जा सकता है कि जो ईमेल है वो कंट्री के किसी भी पार्ट में सेंड किए जा सकते हैं. आपका फ्रेंड या आपके रिलेटिव किसी अदर कंट्री में भी बैठे हैं तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हो. कंप्यूटर्स टू ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंटरनेट इज वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड. ईमेल इज द चीपर मीन ऑफ कम्युनिकेशन. जो ईमेल है वो क्या है? चीपर मीन है कम्युनिकेशन का. चीपर मीन्स क्या होता है? सस्ता मीन है. ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, बहुत ज़्यादा सस्ता मीन है कम्युनिकेशन का. और आपको पता है इंटरनेट तो आजकल किसके घर पर नहीं है, सबके घर पर इंटरनेट होता है. टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा आर मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन. देखो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब मैसेज एक बार में बहुत सारे पर्संस के पास जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन. ठीक है. और अगर मैसेज एक बार में एक ही व्यक्ति के पास जाएगा तो वो क्या होगा? हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन. तो मास कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं? टेलीविज़न. अब देखो टेलीविज़न पे अगर कोई एडवर्टीज़मेंट आती है तो ऐसा तो है नहीं कि टेलीविज़न जो एडवर्टीज़मेंट आ रही है वो किसी स्पेशल पर्सन के लिए आ रही है तो उसी के घर में आएगी, ऐसा तो नहीं है ना. जिन जिन के पास टेलीविज़न है उन सबके घरों में वो क्या होगी? एडवर्टीज़मेंट आएगी. रेडियो है, रेडियो पे भी जो भी एडवर्टीज़मेंट आएगी, जो भी न्यूज़ आएगी वो सबको पता चलेगी एक बार में. ठीक है. तो ये क्या है? मास कम्युनिकेशन के मीन है. वी यूज़ दीज मीन्स टू एड्रेस लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. अभी मैंने आपको बताया मास कम्युनिकेशन का यूज़ किस लिए होता है, जब हमें एक मैसेज बहुत सारे इंसानों के पास एक ही टाइम में पहुंचाना हो तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर एंड ईमेल आर मीन ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जब मैसेज एक टाइम पर एक ही पर्सन के पास जाएगा तो वो क्या होगा? हमारा कम्युनिकेशन. अब आपने फ़ोन किया, आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया तो आप जो बात कर रहे हो वो आपकी और आपकी फ्रेंड के बीच में हो रही है, और किसी को तो पता नहीं चलेगी ना. ऐसा तो है नहीं कि आपका जो टेलीफोन है वो सबके पास पहुँच जाएगा और सारे आपकी बातें सुनेंगे. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो ये क्या है? हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन हैं. वी यूज़ देम फॉर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर कंटेन्स न्यूज़, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम एवर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. देखो जो न्यूज़पेपर होता है वो पूरे वर्ल्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको लाकर देता है. पाकिस्तान में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन आपको बताता है. अब आप हर वर्ल्ड में तो जा, हर सिटी में या हर कंट्री में तो जा नहीं सकते, लेकिन न्यूज़पेपर के थ्रू पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है आप उसको घर बैठे ही जान सकते हैं. बट ओनली अ इलिटरेट पर्सन कैन गो थ्रू दैम. बट इसमें एक लिमिटेशन है, वो क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कैसे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे? अब उन्हें तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं. इसके लिए एक और चीज़ की गई, वो क्या थी? बट रेडियो एंड टेलीविज़न आर बूम दोज हु डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. रेडियो एंड टेलीविज़न किसके लिए जन्मे? उन लोगों के लिए जो नहीं जानते थे कि पढ़ा कैसे जाता है और लिखा कैसे जाता है. क्योंकि देखो अगर पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता तो रेडियो पे एटलीस्ट सुन तो सकते हैं ना, या फिर टेलीविज़न पे न्यूज़ आ रही है वो सुन तो सकते हैं. तो इसके थ्रू जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी जो न्यूज़ है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो जान सकते हैं. दीज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट ग्रेट चेंजेस इन लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन.
दे कैन लिसन टू द रेडियो एंड वॉच वेरियस टीवी प्रोग्राम्स। देखो जब ये कम्युनिकेशन के मीन आए तो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, एक ग्रेट चेंज हुआ। आज के टाइम पे हम एंटरटेनमेंट के लिए कितनी चीज़ें करते हैं, टीवी देख लेते हैं, रेडियो सुन लेते हैं, मैगजीन पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। एन इलिटरेट फार्मर टू कैन गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिफरेंट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। कोई अगर पढ़ा लिखा किसान है तो वो क्या जान सकता है, एग्रीकल्चर के डिफरेंट डिफरेंट मीन जान सकता है कि हम किस मेथड से अगर अपनी फसलें उगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी उगेंगी। वी कैन गेट वेरियड इन्फॉर्मेशन ऑन दैम थ्रू सैटेलाइट। वी कैन वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट इन द वर्ल्ड। अगर पूरे वर्ल्ड में कोई भी इवेंट हो रहा है तो आप उसका लाइव टेलीकास्ट कैसे देख सकते हो, सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। दस ऑल द मीन ऑफ कम्युनिकेशन आर यूजफुल फॉर अस इन देयर ऑन वे। जितने भी कम्युनिकेशन के मीन हैं, चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन है, चाहे वो मास कम्युनिकेशन के, हर किसी के अपने अपने यूजेज हैं। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये यूजलेस है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 17। इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। कल हम इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।